हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास सेवन्थ के इंग्लिश के लेसन नंबर थ्री को। इस लेसन का नाम है बच्चों द वाइस मैन। तो इससे पहले हम इस लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों, आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज को देखेंगे। तो बच्चों, बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलते हैं इस लेसन के एक्सरसाइज व क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो बच्चों, इस लेसन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है रीड एंड लर्न। रीड मीन्स होता है पढ़ो, लर्न मीन्स होता है सीखो, पढ़ो और सीखो। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स को हमें पढ़ना है और इन्हें सीखना है। सीखने से अर्थ ये है, इनका मतलब को समझना है, अर्थ को समझना है। जैसे फर्स्ट जो वर्ड है वो है ठग। ठग मीन्स होता है बच्चों लुटेरा, जो कि किसी व्यक्ति को धोखा देकर उसका पैसा या उससे कोई वस्तु ले लेता है, उसे हम ठग बोलते हैं। नेक्स्ट है एगर। एगर का मीन्स होता है आतुर या फिर बेसब, ठीक है। तो जब हमें सब्र नहीं रहता, जब हमें हमारे अंदर बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एगर। बैट मीन्स होती है शर्त, ठीक। तो आपने देखा होगा कि बच्चे खेल खेल में शर्त लगा लेते हैं, बैट लगा लेते हैं, अगर ऐसा होगा तो मैं जीत जाऊंगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम जीत जाओगे। और फिर उसकी कुछ ना कुछ कंडीशन भी होती है, वो पैसों की कंडीशन रखें चाहे कोई और भी कंडीशन रख सकते हैं, ठीक है, जीतने वाले को ये मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट है सौर। सौर मीन्स होता है खट्टा, जैसे कि आम वगैरह जो उसका टेस्ट होता है कच्चे आम का, वो कैसा होता है, सौर। सौर मीन्स खट्टा, ठीक। नेक्स्ट है डिसीव। डिसीव का मीन्स होता है बच्चों धोखा देना, ठीक है। डिसीव मीन्स धोखा देना, ठीक है, किसी का चीट करना, तो उसे हम बोलते हैं डिसीव। अगला है चीप। चीप मीन्स होता है सस्ता। अगला है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मीन्स होता है अजनबी, जिसे हम नहीं जानते, जिससे हम परिचित नहीं है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेंजर। नेक्स्ट है डिलीशियस। डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट, जैसे कि कोई कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है हमारे घर में, पोहा पास्ता आदि, तो हम बोलते हैं डिलीशियस, यानी स्वादिष्ट है, ठीक। नेक्स्ट है एंग्री। एंग्री का मीन्स होता है गुस्सा या फिर क्रोध, ठीक। डिसीजन। डिसीजन का मीन्स होता है फैसला या फिर निर्णय। जब हम कोई फैसला लेते हैं या फिर निर्णय लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिसीजन। नेक्स्ट है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मीन्स होता है बातचीत करना, ठीक है। जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो ये क्या है, कन्वर्सेशन, ठीक है। या फिर हम अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्सेशन। तो इस तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को। अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है कंप्रेहेंशन, ठीक है। इसमें ए नंबर वाला क्वेश्चन है, ये है आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर हमें देना है। तो देख लेते हैं बच्चों एक एक करके इन क्वेश्चंस के आंसर। अब बच्चों इसमें जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड द ठग आस्क भोला। जो ठग थे, जो धोखेबाज थे, उन्होंने भोला से क्या पूछा। तो जैसा कि हमें बच्चों स्टोरी से पता है, ठग थे, उन्होंने भोला से पूछा था कि भोला के पास जो लास्ट में कैरियां बची थी, यानी कच्चे आम बचे थे, क्या वो बेचेंगे क्या नहीं बेचेंगे, ठीक। तो ये उन्होंने पूछा था, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द ठग्स आस्क्ड भोला। ठगों ने भोला से पूछा इफ ही वुड सेल हिज मैंगोस, क्या आप अपने आम बेचेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो भोला है वो इन आमों को भी बेच देगा, क्योंकि वो एक घोड़े से चलते चलते कच्चे आमों पर आ गया था, तो उन्हें ऐसा लग रहा था इसे भी वो बेच देगा। तो उन्होंने ये प्रश्न भोला से किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिड भोला एग्री टू सेल द ग्रीन मैंगोस, क्या भोला राजी हो गया कच्चे आम बेचने के लिए। तो बच्चों भोला राजी नहीं हुआ था, क्योंकि जो उसकी वाइफ थी शांति भोला की, तो उससे जो कच्चे आम की चटनी बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए भोला राजी नहीं हुआ। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो। नो मीन्स नहीं, भोला डिड नॉट एग्री टू सेल द ग्रीन मैंगोस। भोला कच्चे आम बेचने के लिए एग्री नहीं हुआ, यानी राजी नहीं हुआ। एग्री का मीन्स होता है बच्चों राजी होना, ठीक है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है डिड भोलास वाइफ लाइक चटनी, क्या भोला की पत्नी को चटनी पसंद थी। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर से पता है बच्चों, भोला की वाइफ को चटनी बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए तो लास्ट में उसने कच्चे आम ले लिए थे अपनी वाइफ के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे यस, हाँ, भोलास वाइफ लाइक चटनी वेरी मच, भोला की वाइफ को चटनी बहुत ज्यादा पसंद थी। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ये है व्हाट वाज द बेट, जो शर्त थी वो क्या थी, जो ठग्स और भोला के बीच में जो शर्त लगी थी वो क्या लगी थी। तो ठग्स और भोला के बीच में ये शर्त लगी थी कि ठग्स ने कहा कि ये आप कच्चे आम जब अपनी वाइफ के पास लेकर जाओगे तो वो आपसे गुस्सा होगी, आप पर क्रोधित होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरी वाइफ मेरे हर एक डिसीजन में मेरे साथ रहती है, मुझे पता है। तो ठग्स ने बोला कि चलो हम बैट लगाते हैं, अगर वो क्रोधित होगी तो आप हमें 1,000 रुपये देंगे, अगर क्रोधित क्रोधित नहीं हुई तो हम आपको 1,000 रुपये देंगे। इस तरीके से उनमें शर्त लगी थी। तो इसका आंसर हम देखेंगे बच्चों, द टू ठग्स मेड ए बैट विद बोला दैट दे वुड गिव हिम 1,000 रुपीज इफ हिज वाइफ डज नॉट गेट एंग्री विथ हिम फॉर ब्रिंग मैंगोज इन एक्सचेंज ऑफ अ हॉर्स। दोनों ठगों और भोला के बीच में ये शर्त लगी कि यदि उसकी पत्नी, भोला की पत्नी, अगर भोला से क्रोधित नहीं होती है तो दोनों ठग मिलकर भोला को 1,000 रुपये देंगे, क्योंकि भोला ने घोड़े के बदले में क्या लिया था, कच्चे आम लिए थे। ठीक है, तो घोड़ा तो बहुत ज्यादा महंगी चीज है बच्चों, वो कच्चे आम बहुत सस्ते आते हैं। तो उन्हें ये लग रहा था कि कोई भी इस तरीके का अगर सौदा करेगा तो उसकी पत्नी निश्चित रूप से क्रोधित होगी, इसलिए ठगों ने ये शर्त लगाई थी। एंड भोला वुड पे देम द सेम अमाउंट इफ सी गोज अगेंस्ट हिज डिसीजन, यदि वो भोला की पत्नी अगेंस्ट जाती है यानी भोला पर क्रोधित होती है तो भोला भी सेम अमाउंट ठगों को देगा। सेम अमाउंट मीन्स 1,000 रुपये ठगों को देगा अगर उसकी पत्नी उस पर क्रोधित होती है। तो ये बैट थी बच्चों पूरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हु वॉन द बैट, बैट कौन जीता। तो हमें इस स्टोरी से पता है बच्चों कि भोला इस बैट को जीता था, क्योंकि भोला के हर एक निर्णय पर उसकी जो पत्नी थी वो क्रोधित नहीं होती थी, यानी रजामंद रहती थी, एग्री रहती थी। ठीक, तो भोला इस बैट को जीत गया था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे भोला वॉन द बैट। ठीक है, भोला वॉन द बैट, कितना सिंपल है। देखो बच्चों, हु की जगह पर हम सिर्फ भोला का यूज कर रहे हैं। ठीक, 6th नंबर का क्वेश्चन है हाउ डिड भोला प्लान टू स्पेंड द मनी, तो भोला ने उस पैसे का स्पेंड यानी खर्च करने का क्या प्लान बनाया, क्या योजना बनाई। स्पेंड मीन्स होता है बच्चों खर्च करना। ठीक है, और प्लान प्लान मीन्स होती है योजना। ठीक है, तो उस पैसे को जो ठगों से उसने जीता था, ठीक है, बैट के तहत जीता था 1,000 रुपये, तो उसे स्पेंड करने का क्या योजना बनाई थी। तो लास्ट में बच्चों हमने इस चैप्टर में देखा था कि भोला ने कहा था इस पैसे से मैं एक और घोड़ा खरीदूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे भोला प्लान टू बाय अनदर हॉर्स विद द मनी, भोला ने प्लान बनाया कि वो इस पैसे से एक और घोड़ा खरीदेगा। अब बच्चों हम कॉम्प्रिहेंशन का बी नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है टिक द करेक्ट ऑप्शन, यहां पर हमें एक क्वेश्चन पूछा है, उसके 3 ऑप्शन है हमारे पास, 3 ऑप्शंस हैं, उसमें से जो सही होगा स्टोरी के हिसाब से वो हमारा आंसर होगा, उस पर हमें टिक करना है। ठीक, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट वाला ये है वेयर डिड भोला मीट द ठग्स, भोला उन ठगों से कहाँ मिला था। तो ए ऑप्शन है भोपाल में, बी है विलेज में, और सी है मार्केट में। तो स्टोरी में जैसा कि हमने देखा था बच्चों, भोला उन ठगों से मार्केट में यानी बाजार में मिला था, तो हमारा जो सी नंबर वाला ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा ये। ठीक, सेकंड है व्हाट डिड द ठग्स से टू भोला, ठग्स ने भोला से क्या कहा। तो ए ऑप्शन है टू हैव अ बैट सर्फ लगाने के लिए, बी टू थ्रो द मैंगोज आमों को फेंकने के लिए, सी है टू सेल द मैंगोज मैंगो को बेचने के लिए। तो बच्चों सी वाला इसमें भी सही है, मैंगो को बेचने के लिए उन्होंने पूछा था। ठीक है, तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, तो यहां पर थर्ड है बच्चों, हाउ मच मनी वॉज ऑफर्ड इन द बेट, जो शर्त लगाई गई थी उसमें कितनी मनी ऑफर की गई थी, यानी कितने रुपए की वो शर्त लगी थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए है 100 रुपीज 100 रुपए की, बी है 10,000 रुपीज 10,000 रुपए की, और सी है 1,000 रुपीज की। तो हमें पता है बच्चों इस स्टोरी में जो शर्त लगी थी वो 1,000 रुपीज की लगी थी, तो ये सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, 1,000 रुपीज। इसी तरीके से फोर्थ है
विथ होम डिड भोला रिटर्न होम, भोला किनके साथ घर वापस आया? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए द ठग्स, बी फ्रेंड्स और सी है स्ट्रेंजर। ठीक है, तो वो दोनों, वो भोला था बच्चों, वो ठग्स के साथ में वापस आया था। ठीक है, हाँ इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फिफ्थ है, डिड द थग्स सक्सेस इन देयर प्लान, क्या ठग्स अपने प्लान में सक्सेस हुए? तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट नो, मतलब नहीं, सेकंड है यस हो गए, और थर्ड है आई एम नॉट श्योर, यानी मैं पक्का नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि ठग्स कामयाब हुए कि नहीं हुए। तो हमें पता है बच्चों लास्ट में बैट भोला जीत गया था, तो ठग जो थे वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हुए थे। तो इसका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये नो, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब बच्चों इस लेसन का जो क्वेश्चन नंबर टू है वो है वर्ल्ड पावर। ठीक है, तो इसमें ए नंबर वाला दिया है, द मैंगो इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स, मैंगो को यानी आम को फलों का राजा कहा जाता है। सभी जानते हैं बच्चों फलों का राजा कौन है, आम है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन दिए हैं जिसमें हमें मैच करवाना है, ये मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चन आता है उसी तरीके का है। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें द क्वीन ऑफ सतपुरा, सतपुरा की रानी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो सतपुरा की रानी बच्चों पचमणी, पचमणी को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा किसे कहा जाता है? तो जंगल का राजा बच्चों शेर मीन्स लॉयन को कहा जाता है। ठीक, तो हम इसे लॉयन से मैच करवा देंगे। द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो वो नर्मदा नदी को कहा जाता है, तो द नर्मदा, तो इसे हम नर्मदा से मैच करवा देंगे। नेक्स्ट है अ ड्रीम इन ए मार्बल, तो मार्बल का स्वप्न किसे कहा जाता है बच्चों? द ताजमहल को, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है बहुत ज्यादा खूबसूरत है और मार्बल से बनी हुई है। ठीक है, तो हम इसे इससे मैच करवा देंगे। नेक्स्ट है द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज बच्चों कैमल, ऊंट को कहा जाता है। इस तरीके से ये भी एक्सरसाइज हमारी हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। हाँ, जो बी नंबर वाली एक्सरसाइज है इसी के, वो है पिक द ऑड वन, ऑड वर्ड आउट इन सर्कल इट। तो यहाँ पर कुछ हमें वर्ड्स दिए हैं, इनमें से जो ऑड है यानी अलग है उस पर हमें सर्कल बनाना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया भी है, वो है मैन, जेंटलमैन, सर, मैडम। तो ये जो तीनों है मैन, जेंटलमैन और सर, ये क्या है? मेल पर्सन है। ठीक है, लेकिन मैडम, मैडम क्या है? फीमेल है, इसलिए ये अलग है। ठीक है, इसलिए इस पे हमने सर्कल खींच दिया। सेकंड है गर्ल, लिटिल फेरी, लिटिल क्वीन, बॉय। तो इस जैसे पहले वाला दिया था बच्चों, सभी उसमें मेल थे और एक फीमेल थे। ठीक है, इसमें जो है ये सब फीमेल है, गर्ल, लिटिल फेरी और लिटिल क्वीन, ये क्या है? सभी फीमेल है। लेकिन ये जो बॉय है वो क्या है? ऑड है, क्योंकि ये मेल है। ठीक, इसी तरीके से हम अगला भी करेंगे। थर्ड है मैंगो, एप्पल, नाइफ, ऑरेंज। तो बच्चों ये क्या है? मैंगो, एप्पल और ऑरेंज, ये सेम है क्योंकि ये फ्रूट्स हैं। ठीक, लेकिन नाइफ क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए हम इस पे सर्कल कर देंगे, ये ऑड है। फोर्थ है थग, थीप, रोबर, कॉन्स्टेबल। तो ये तीनों बच्चों सेम है क्योंकि ये क्रिमिनल होते हैं। ठीक है, ठग, थीप और रोबर, लेकिन कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल तो क्राइम को रोकता है, इसलिए ये ऑड है, ये इनसे अलग है। नेक्स्ट है फिफ्थ, इस्माइल, लॉफ, वीप, चकर। तो इस्माइल, लॉफ और चकर, ये तीनों खुश होने के भाव है, खुश होने की फीलिंग है। ठीक है, लेकिन वीप ये क्या है? सैडनेस की फीलिंग है। ठीक है, वीप मतलब रोना, तो ये अलग है, इसलिए इस पर हम सर्कल कर देंगे। अब देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट। अब बच्चों जो सी नंबर वाला क्वेश्चन है वो है मैच द टू कॉलम्स। तो यहाँ पर दो कॉलम दिए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। तो यहाँ पर कॉलम ए में बच्चों कुछ एनिमल्स के नेम दिए हैं। ठीक है, जैसे अ हॉर्स, अ डंकी, इस तरीके से, और उन एनिमल्स की साउंड कॉलम बी में दी है। तो हमें एनिमल को उसकी साउंड से मैच करवाना है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एनिमल किस तरीके की साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो ये है अ हॉर्स, हॉर्स घोड़ा, ये साउंड प्रोड्यूस करता है नेज, इस तरीके की। तो हम इसे इससे मैच करवा देंगे। नेक्स्ट है आ डंकी, डंकी मीन्स गधा, जो गधा होता है बच्चों वो ब्रेज, इस टाइप की साउंड प्रोड्यूस करता है, तो इसे हम इससे मैच करवा देंगे। कैट, कैट का तो सभी को पता होगा कि कैट म्याउस, इस तरीके की साउंड प्रोड्यूस करती है, तो हम इसे म्याउस। आ डॉग, तो डॉग बार्क्स, इस तरीके की साउंड प्रोड्यूस करता है, तो ये लॉयन, लॉयन रोर्स। ठीक, और शीप, शीप मीन्स होती है भेड़, भेड़ का ब्लीड्स।
इससे मैच करवा देंगे, लास्ट में यही बचा है। तो इस तरीके से ये हमारा मैच द फॉलोइंग भी हो जाता है। एक ही साउंड को आप याद कर लीजिएगा बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एनिमल किस तरीके की साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक, अब देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज को। हाँ, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो ग्रामर के ऊपर है बच्चों। आपकी ग्रामर पे बहुत अच्छी कमांड होना चाहिए, ग्रामर से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हमें टू और फोर का यूज करना सिखाया है। जैसे कि ये बोला है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग टू और फोर, टू और फोर का यूज करते हुए हमें इन सेंटेंस को फिल करना है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए बच्चों कहाँ पर टू का यूज होता है और कहाँ पर फोर का यूज होता है। तो इसे मैं एक ग्रामर की वीडियो बना दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा। अभी यहाँ जल्दी से देख लेते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट है बच्चों ये है दे मेड अ प्लान डैश डिसीव हिम, वो प्लान बना रहे थे उसे धोखा देने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आएगा बच्चों टू, दे मेड अ प्लान टू डिसीव हिम। नेक्स्ट है द मैंगोज आर डैश बाय वाइफ, जो आम है वो मेरे वाइफ के लिए है, तो यहां पर आ जाएगा फोर। थर्ड है सी ऑलवेज एग्रीज डैश माई डिसीजन, तो ये आ जाएगा टू, वह मेरे डिसीजन से हमेशा एग्री होती है। फोर्थ है बच्चों यू विल पे द सेम अमाउंट डैश अस, तुम भी मुझे उतने ही अमाउंट दोगे जितना मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टू, टू अस। इसी तरीके से फिफ्थ है हिज वाइफ वॉज वेटिंग डैश हर हस्बैंड, तो उसकी पत्नी उसका अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही है, तो यहां पर आ जाएगा फोर। सिक्स है व्हाट हैव यू ब्रॉट डैश मी, तो यहां पर भी हम फोर का यूज करेंगे। ठीक, इस तरीके से हम इनका यूज कर लेंगे बच्चों। ठीक, और जो सेवेंथ है वो है आई सोल्ड हॉर्स डैश अ डंकी, ठीक मैंने घोड़े को बेच दिया। ठीक है, तो इसमें सेवेंथ में आएगा बच्चों फोर, फोर आ डंकी, डंकी के लिए मैंने हॉर्स को बेच दिया। एट्थ है आई एक्सचेंज द डंकी डैश अ सीप, मैंने एक्सचेंज कर लिया, बदल दिया डंकी को किसके बदले में, सीप के बदले में। ठीक है, तो यहां पर आएगा फोर। नाइन्थ है अ हैन इज चीपर डैश फीट देन ए सीप, तो यहां पर हम टू का यूज करेंगे। टेंथ है आई सेल यूज मनी डैश बाय अनदर हॉर्स, तो यहां पर हम टू का यूज कर लेंगे। इस तरीके से बच्चों हमारे ये भी टू और फोर का यूज हो जाता है, इसी तरीके से आप भी कर लेंगे। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।